ये बिग बॉस ओटीटी में आया और उसे जीत गया, और तब जाकर मुझे पता चला कि कोई अनपढ़ गंवार एलविश यादव भी है जो अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार मानता है। एलविश यादव ने बिग बॉस के ट्रॉफी के साथ साथ 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का दिल जीत लिया, लेकिन एक ऐसा ही लोता बंदा रह गया जिसका दिल नहीं जीत पाया। अब मुझे लगता है कि एलविश यादव को स्पेशली इसके पास जाना पड़ेगा, इसका दिल जीतेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे। और काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि ये के आर के करके कोई बंदा है जो अपनी जमीन तो बेच खा रही है, लेकिन अब यूट्यूब पे भी आके अपना बवासीर दिखा रही है। तो आज मैं इसका गाड़ फाड़ने वाला हूँ, गाड़ी मारने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। अबे साले। तो गाइज, आप अगर एलविश यादव का फैन है तो ये वीडियो आपके लिए है, और वीडियो को पूरा देखना। और अंत का चिल्लाए बे मौसड़ी के। औरतों को गालियां देना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, औरतों के बारे में गलत सलत बातें करना उसका कर्तव्य है। अगर वो लड़कियों को गालियां नहीं देगा, लड़कियों के बारे में गलत सलत नहीं कहेगा, तो लोग उसको मर्द नहीं मानेंगे। मतलब एलविश यादव ने गाली गलौज नहीं देगा तो वो मर्द नहीं कहलाएगा। क्यों भाई? वो तेरा बहन के पास गया था कहा गाली गलौज देने के लिए, तब उसी ने बताया चेक करके, एलविश यादव का चेक करके कि वो मर्द है कि नहीं है। अबे यार चिपकांडू, कहाँ से आते हैं ऐसे ऐसे लोग यार? नहीं मतलब ये चिपकांडू एलविश यादव को गाली नहीं देगा तो इसका घर नहीं चलेगा। मुझे लगता है एलविश यादव इसका हर रात को इसका घर जाता होगा गाली सिखाने के लिए, तभी है। मुझे क्यों कह रहे हैं भाई, इसी का कहना है कि एलविश यादव ने गाली गलौज करता है, तो ये भी तो वही गालियां दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हर रात को इसका घर जाता होगा गाली सिखाने के लिए, बस और कुछ नहीं। ज्यादा मत समझना। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। इससे पहले कि मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊं, भाई साहब अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो दबा दो। देखो आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। अबे साले, नहीं चाहिए तुम्हारा वीडियो का नोटिफिकेशन क्या? ये सब देखने के लिए तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब करेगा? अबे पागल गलो का, हां पगले हो एकदम। तो तुम्हारा ये बवासीर देखने के लिए आदमी चैनल सब्सक्राइब करेगा तेरा? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ये गांडू का कहना है कि जो सिगरेट पीता है, गाली गलौज करता है, वो घटिया किस्म का आदमी होता है, तो वही लोग एलविश यादव को फॉलो करके रखा है। तो भाई लोग, अब आ गया है टाइम, दिखा दो अपना जलवा और इसका गाड़ फाड़ दो। नहीं नहीं, तुम लोग गाड़ फाड़ दो इसका। इसमें तो कोई फेमस टीवी एक्टर भी नहीं आता, तो ये लुखा वो ओटीटी बिग बॉस जीता है, और इस लुखे की तो बॉलीवुड में ये भी औकात नहीं है जो राजपाल यादव की है। शाहरुख खान की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये गांडू को कौन बताएगा कि बिग बॉस क्या होता है, और बिग बॉस ओटीटी सेशन जीतने के लिए कितना फेमस होना पड़ता है? अब ये बिग बॉस के बारे में क्या जानेगा जिसे बिग बॉस का बीवी नहीं आता है? बात तो सही है। और इसने क्या बोला कि कोई फेमस टीवी एक्टर भी बिग बॉस में नहीं जाता है? अबे जाले, अगर बिग बॉस क्या चीज है तुमको पता होता ना, तो तुम इस तरह की बवासीर बातें नहीं करता। खैर गाइस, ये आपको ऐसे ऐसे बवासीर चूतिए किस्म का आदमी मिलते रहेगा, ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो खैर इसे नज़रअंदाज करते हैं, और अगर आप एलविश यादव का फैन है तो वीडियो एलविश यादव को शेयर कर दो ताकि इसका गाड़ पार सके ये वीडियो देखने के बाद। और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और एलविश यादव का फैन हो तो लाइक करके, और आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।